वेलकम बैक, दिस इज पीएस राठौर अगेन, और इस बार हम लेके आए हैं 10 लर्निंग फ्रॉम लाइफ ऑफ एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी। और ये 10 लर्निंग में सबसे पहला लर्निंग है, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर, नेवर लूज होप्स। हम क्या कहते हैं, अगर मेरा बापू बिलियनर रहता ना तो अपुन भी बिलियनर रहता, ऐसा नहीं सोचने का। एक पंप ऑपरेटर का बेटा महेंद्र सिंह धोनी केस स्टडीज है आईआईएम इंस्टीट्यूशंस में, इस ओनली बिकॉज उनके दिमाग में यह बात रही कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं अगर मैं होप्स को जिंदा रखता हूं। उन्होंने पेरेंट्स पे या अपने चीजों पे ब्लेम करने की बात नहीं सोची। अगेन, तब बिहार में पैदा हुआ एक ऐसा नौजवान जो आज झारखंड में है, ऐसे जमीन से जुड़ा रहा कि वहां की संस्कृति की, वहां की रिवाजों की, वहां की मर्यादाओं का पूरी तरह से पालन करते हुए खुद में विश्वास रखा, और एक पंप ऑपरेटर का बेटा हिंदुस्तान के क्रिकेट जगत का सबसे बड़ी धरोहर बन के रह गया, जहां यह माना जाता था कि अगर क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको महाराष्ट्र पे जन्म लेना पड़ेगा। इस मिथ को अलग करते हुए, तीर्थार करते हुए महेंद्र सिंह धोनी हिंदुस्तान के धड़कते हुए धड़कन का एक ऐसा मिसाल बन गए जो कई कई युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हुआ, और देखा गया उसके बाद भी कई ऐसे क्रिकेटर पैदा हुए जो शायद महाराष्ट्र में तब पैदा नहीं हुए थे, और इस मिथ को तोड़ के रख दिया, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। यहां मेरा कहीं भी ऐसा मतलब नहीं है, मैं महाराष्ट्र को भी उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं बिहार या झारखंड को करता हूं, बस सिर्फ ये कहना था कि उन्होंने ये बात तोड़ दी, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर, और नई कहानी शुरुआत करी। सेकंड लर्निंग, लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड कीप इट टू मेक अ बिग इन फ्यूचर। याद है वो सीन जब कलकत्ता के एयरपोर्ट पे फ्लाइट मिस हुई और धोनी क्या कहते हैं, लेट्स सेलिब्रेट दिस फेलियर। याद है वो दिन जब अंडर 19 में सिलेक्शन नहीं हुआ और वो बात, भैया चलिए ना ये समोसा का पार्टी करते हैं ना, वो पार्टी, सेलिब्रेट योर फेलियर। हम लोग क्या करते हैं ना, जब रिजल्ट आता है ना, एक दिन रोते हैं, दो दिन रोते हैं, तीन दिन बाद भूल भी जाते हैं कि फेल हुआ था। कीप दिस फेलियर इन हार्ट, लेट फेलियर मोटिवेट, लेट फ्रस्ट्रेशन मोटिवेट, और ये मोटिवेशन है बस, लर्न फ्रॉम द फेलियर, keep it to make big in the future, learn from the life of Mahendra Singh Dhoni. Third learning from the life of MSD, take risk and get out of the comfort zone. Risk lene ka boss, yaad ho scene World Cup mein jab Yuvraj pad bahan chuke the aur cricket gir raha tha, Dhoni ne kaha is pe main jaunga, aur yaad hai wo pal, aakhri six जब यू मारे और मारने के बाद देखते रहे और सोचते रहे मैं जीत गया। टेक अ रिस्क, गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, ये थी, ये है लर्निंग। टेक अ रिस्क, लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, और बैठ के नहीं लीड कर सकता, ब्लेम नहीं कर सकता, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली द लर्निंग फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी। रिस्पेक्ट योर फ्रेंड, स्टे हम्बल एंड नेवर स्टॉप लर्निंग फ्रॉम योर पीयर्स। ये हमारी चौथी लर्निंग है महेंद्र सिंह धोनी से, दोस्तों से सीखिए, हम्बल रहिए। वो याद है वो सीन जब होटल में उनके दोस्त आते हैं, कहते हैं धोनी जो लड़की पहन के आई थी, कपड़े बड़ी छोटी सी थी, देख रहे हैं पिक्चर छोटी सी थी। महेंद्र सिंह ये बात नहीं दे रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं, वो क्या कहते हैं, हाँ मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ करता हूं ना, आप हंसते हो लेकिन गहराई में जाके देखो कितनी मेंटली मैच्योर्ड है ये बंदा यार, सीखने का इसे। रेस्पेक्ट ऑफ फ्रेंड, रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ फ्रेंड, लर्न। वो हेलीकॉप्टर शॉप देखते हो ना, हेलीकॉप्टर शॉप, वो उनके फ्रेंड का देश है, ओ भैया सिखा दो ना, भैया सिखा दो मेरे को, हेलीकॉप्टर शॉप कहते हैं मरते, सिखा दो ना। सीखने का है, सिखाने का है। हम देखते हैं ना दिल्ली में अगर दोस्त आ जाता है तो फाइल काम करते, फाइल बंद कर दी, क्यों सीख लेगा, नहीं सीखने का है, जबरदस्त सीखने का है। पांचवा लर्निंग, कीप फ्रेंड्स टुगेदर एवरी टाइम, हमेशा दोस्तों के साथ रहो, दोस्त तुम्हारे साथ रहेंगे। वो पौका याद है ना, मौका, वो तेरे पास पैसा है क्या, तेरे पास कुछ कुछ पैसा है क्या, सभी मिल करके पैसा, वो जीप जो लेकर के रात को भाग रहे हैं झारखंड से कलकत्ता एयरपोर्ट की तरफ,
ऐसे दोस्त होने चाहिए जिससे आप बिना किसी काम के फोन कर सको, घंटे बात कर सको। ये रखना आपको बहुत जरूरी है। आप खुद से चेक करो कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं जिसको बिना काम के फोन कर सकते हैं, बिना फोन के आप बोल सकते हैं कि ऐसा है। ऐसे फ्रेंड रहना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और ये लर्निंग नंबर 6, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। वो लगे रहे, हर समय लगे रहे, प्लान करते रहे। याद है उपल, एग्जामिनेशन में सारी दुनिया 3 घंटे में लिखती है, 2.5 घंटे में निकल गए। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलना जाना था। ये प्लानिंग करना हमें बहुत जरूरी है। और ये लर्निंग है, लर्निंग नंबर 6 फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी, रेस्पेक्ट फीलिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग। अपने पेरेंट्स और सिबलिंग की रेस्पेक्ट दीजिए। अपने बहन से, अपने पिताजी से, याद है जब रेलवे की नौकरी छोड़ के आए तो सबसे पहले पिताजी से उन्होंने क्या करने की कोशिश करी? आज्ञा लेने की, जबकि डिसीजन ले चुके थे। ये नहीं कि अपने पेरेंट्स के नॉलेज और एक्सपीरियंस को बिल्कुल बेअर्थ कर दे। ना ना, उनके भी अर्थ हैं, वो इंस्टीट्यूशन है, लाइफ देखें। ठीक है, उनका डिसीजन अपने अनुभव से है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा उनको इज्जत करते हुए देखा। जब महेंद्र सिंह धोनी की बातें हैं तो ये लर्निंग है। जो देखिएगा, स्टॉप थिंकिंग अगेंस्ट क्रिटिसिज्म एंड फॉलो योर हार्ट। महेंद्र सिंह धोनी, मुझे तो कई बार लगता है कि शायद वो भगवान की तरह है। उनका एक फोटो शादी के समय में लेने के लिए मीडिया पैरों पे चढ़ गई, लेकिन नहीं मिल पाया। कितने बड़े बड़े मैचे जिताए हैं, कभी आपने महेंद्र सिंह धोनी को टेलीविजन पे इंटरव्यू देखने थे? नहीं, वो काम किया, कर्म करते रहे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी पूरा का पूरा समर्पण सचिन तेंदुलकर जी को दे दिया, इंटरव्यू वो देते रहे। महेंद्र सिंह धोनी को आपने कभी देखा? दर्द में भी कराहते रहे, लेकिन क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट पे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब बोलते हैं तो बिंदास से बोलते हैं। ये चीज है, क्रिटिसिज्म के बारे में नहीं सुनना, ना किसी को क्रिटिसाइज करना। मैं तो कई बार सोचता हूं कि दोस्तों की क्या रेस्पेक्ट है। जब विराट कोहली जी कैप्टन बने और जब दोनों एक बार नीचे उतरे तो मैं कंफ्यूज हो गया कि कैप्टन विराट कोहली है या महेंद्र सिंह धोनी। कई बार तो विराट कोहली भी सोचते होगा, भाई तू कैप्टन है, मैं भी, मेरे को भी कुछ बोलने दे। दैट्स अ रेस्पेक्ट व्हाट विराट कोहली गेव टू धोनी। आई रेस्पेक्ट धोनी, आई रेस्पेक्ट सेम वे विराट कोहली अलाउइंग हिज फ्रेंड, बे तू कर यार, कोई दिक्कत नहीं। कितना बड़ा जिगरा है। ये दो देश के लाल है जो वर्तमान में, हम कितने लकी हैं कि इतने दो ब्रॉड माइंडेड एंड रियल लीडर को हम जब मैदान में देखते हैं। तो मैं तो गेम बाद में इन दो महान व्यक्तियों को देख के ही खुश हो जाता हूं। स्टॉप थिंकिंग अगेंस्ट क्रिटिसिज्म एंड फॉलो योर हार्ट। ये लर्निंग है महेंद्र सिंह धोनी से। मेक योर सेल्फ कॉस्टली फॉर मीडिया एंड नेवर गो फॉर द मीडिया क्रेजी। लर्निंग नंबर 9 महेंद्र सिंह धोनी से। महेंद्र सिंह धोनी के एक स्टेटमेंट के लिए, एक पिक्चर के लिए, चीजों के लिए आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड की मीडिया तरसती है। एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा सन्यासी जो अपने कर्मों में विश्वास रखता है, वो नाम फेम के लिए नहीं जाता, जो कि इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है, फेम से बिल्कुल अलग है, चीजों से अलग है। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल होना भी क्यों चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैट खरीदने के पैसे नहीं होते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए रेलवे का टीसी का काम करता था, वो शायद पैसे के महत्व ज्यादा समझता हो उस व्यक्ति से जिसके हाथों में पैसे ही पैसे हों। तो होना चाहिए, इज्जत करना भी चाहिए। ये भी एक लर्निंग है। ये लर्निंग नंबर 10 है, ट्रस्ट योरसेल्फ। जो ट्रस्ट उनके ऊपर है, वो चीजें हैं, वो उनको ध्यान रखना है। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा जो उन्होंने खुद पर ट्रस्ट रखा। ट्रस्ट योरसेल्फ, चीजों से, इमोशनल चीजों से बाहर निकलना। जब पहली गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ, जाके रोए, उन्होंने अपने आप को देखा भी, सोचा भी और फिर आगे भी बढ़े। खुद पे ट्रस्ट है, देश पे ट्रस्ट है और वो कमिटमेंट है उनसे। ट्रस्ट एंड कमिटमेंट इतना बड़ा है कि जब उनकी गर्लफ्रेंड कह रही है मेरे बारे में नहीं सोचोगे, और वो कह रहे हैं मेरे लिए देश बड़ा है, जब मैं देश के बारे में सोचता हूं तो मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। दोस्तों, ये हमारी 10 लर्निंग थी, लाइफ ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, जो हम युवाओं को, आप युवाओं को जरूर इसमें से लेसन सीखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एटीसी एनी टाइम क्लासेस, पीएस राठौर लर्निंग ऐप। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज
The more and more video I can make when you get the benefit. वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर आप इसको सभी लोगों से शेयर करेंगे तभी इसका मजा है, आनंद है. अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर एंड लाइक माई चैनल अगर आपने नहीं किया है तो. दैट इज एनी टाइम क्लास ATC PS Rathore लर्निंग ऐप. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड गेट लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ बिग पीपल. थैंक यू वेरी मच.